नमस्कार, मैं आरती बघेल। स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खबरों से। नीमच जिले के रामपुरा तहसील पर रड़ा पंचायत के गांव सिगड़ी पीपलिया में गोपाल धनगर, तुलसी जी धनगर, मांगीलाल धनगर ने बताया कि पिछले वर्ष हमारा बरसात में बाढ़ के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका सर्वे करने गांव के पटवारी आए थे और पंचनामा बनाकर ले गए थे। हमने एक आवेदन रामपुरा तहसील में भी दिया था, लेकिन वापस बरसात आ गई और आज तक नहीं तो हमको मुआवजा राशि मिली, ना ही आवास योजना का लाभ मिला। गांव के सरपंच सचिव के पास जाते हैं तो वह कह देते हैं कि आगे से अभी कुछ नहीं आया है, आएगा तब इसकी जानकारी आपको दे देंगे। जबकि मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि दी गई थी, लेकिन हम लोगों को आज तक सहायता राशि उपलब्ध नहीं हो सकी। ऐसे में हम दूसरी जगह किराए से रहते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा मकान क्षतिग्रस्त हुआ था, तब हमारे गेहूं, चने और घर के बर्तन आदि नुकसान हुआ था, जिससे कि आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई। ऐसे में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें आवास योजना का लाभ दिया जाए और हमें मुआवजा राशि भी प्रदान की जाए, और यह जानकारी भी दी कि हमारे गांव में शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, तथा हमारे जैसे और भी कई ऐसे परिवार हैं जिनका बरसात में नुकसान हुआ था, उन लोगों को भी शासन द्वारा दी जाए। यह जानकारी हमारे संवाददाता मुकेश भाना द्वारा दी गई है। स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप से मुकेश भाना की रिपोर्ट। जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कर हमको खाने पीने के नाश सब दब गए जी। हमारे चने भी थे में दो चार जी, वो भी दब गए, ने सब पचनामा बना के ले गए जी। फिर मेरे को बोला कि आप तो पत्रकार को बोला है, आपको सर आप ले लेना जी। उसके बाद फिर गए मैं तो फिर भी यही बोल। अच्छा, क्या बोल रहे पटवारी? क्या बोला उन्होंने? आप तो होशियार बन रहे तो आप ले। क्या समस्या आपकी? समस्या है कि मकान गिर गया, मकान का कोई मुआवजा वावजा कुछ नहीं मिला। हमने पटवारी आके ले गए, वो कागज पाना दे के गए और बाकी कुछ नहीं के मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, कब का गिरा मकान? बारिश में। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको? तकरीबन 5-6 महीने हो गया। अच्छा, और कहाँ का आवेदन दिया आपने? आदमी नहीं, व्यापारी लेना।